हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास ट्वेल्थ में कंपनी अकाउंट चल रहा था, उसमें हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे थे। इशू ऑफ डिबेंचर में अभी तक हम लोगों ने तीन टॉपिक डिस्कस किया है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट इंक्लूडिंग कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड प्रोराटा। ये सारा बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ये क्या होता है? हम बोले कंपनी डिबेंचर देती है और बदले में क्या लेती है? पैसा। तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, मतलब पैसा के लिए कंपनी अपना डिबेंचर दे रही है। लेकिन कंपनी कभी कभी अपना डिबेंचर कैश के लिए ना दे करके एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए देती है। जैसे हमको कोई किसी का कोई एसेट्स लेना है, अगर हम कोई एसेट्स मशीन प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग हमको चाहिए, तो हम किसी आदमी के पास अगर जाएं और हम बोले भैया हमको मशीन चाहिए, तो बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा, कैश देना पड़ेगा कि सर पैसा दीजिए मशीन ले लीजिए। कंपनी इसी का एक उपाय निकाल लिया। कंपनी किसी सेलर के पास गया और बोला भाई ये मशीन हमको चाहिए कितने का? तो सेलर बोल रहा है भैया 1,00,000 रुपया दाम है। तो कंपनी उसको बोल रहा है हम तुमको रुपया नहीं देंगे, हम तुमको क्या देंगे? हम तुमको डिबेंचर देंगे, हम तुमको अपने कंपनी का डिबेंचर दे देंगे। आगे चलकर के इस डिबेंचर के ऊपर तुमको इंटरेस्ट मिलेगा और एक समय के बाद इस डिबेंचर का पैसा तुमको वापस मिल जाएगा। अगर सेलर कन्विंस हो गया तो वेरी गुड, और अगर नहीं हुआ तो कोई और सेलर ढूंढ लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कंपनी अपना डिबेंचर या तो कैश लेने के लिए दे सकता है या फिर एसेट्स खरीदने के लिए, कभी कभी तो बिजनेस खरीदने के लिए भी ले सकता है कि सर कंपनी को हमें कंपनी है, हमको दूसरा कंपनी अच्छा लग गया तो हम उस कंपनी से बातचीत कर लिए, वो बोला इतना दाम है इस कंपनी का पूरा, तो हम उसका बिजनेस जब लेने गए तो हम उसके बदले उसको बोले कि हम कैश नहीं दे करके हम क्या देना चाहते हैं? हम बोले सर हम डिबेंचर देना चाहते हैं, सेटलमेंट जो है वो हम डिबेंचर से करेंगे, हम कैश से नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरीका होता है डिबेंचर को बेचने का। तो मेनली दो तरीका निकाल लिए कि सर एक होता है डिबेंचर कंपनी बेचती है और बदले में पैसा उठा लेती है, और दूसरा कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है और उसके बदले में एसेट्स और लाइबिलिटीज ले लेती है। सर लाइबिलिटीज क्यों लेंगी? कभी कभी कुछ एसेट्स ऐसा होता है जिसके साथ कुछ लाइबिलिटी जुड़ा हुआ है, अगर हमको वो एसेट्स चाहिए तो हमको वो लाइबिलिटी भी उठाना पड़ेगा। जैसे हमको एक बिल्डिंग अच्छा लगा, एरिया सही है, मेरे लिए काम का बिल्डिंग है, हम उस बिल्डिंग के ओनर से मिलने गए और हम बोले कि भाई आप हमको ये बिल्डिंग बेच दो। वो बोला बेच तो देंगे लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर बैंक का लोन है, आपको वो लोन भी साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि हम बैंक को इस बिल्डिंग का गारंटी देके बैठे हैं। तो अगर हमको वो बिल्डिंग चाहिए तो हमको वो लोन भी लेना पड़ेगा कि सर बिल्डिंग लीजिए और लोन का फिर आप ही सेटलमेंट करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। इसीलिए जब हम लोग बिजनेस खरीदते हैं तो सिर्फ एसेट्स खरीदते हैं ऐसा नहीं है, लाइबिलिटीज भी खरीदना पड़ जाता है हम लोगों को। बात समझ रहे हैं मेरा? तो सर हम लोग मेनली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें दो सिचुएशन पड़ेगा। एक है केस वन, ध्यान दीजिएगा ये सेम शेयर की तरह है, शेयर में भी ऐसे लिखवाए हैं। सबसे पहला सिचुएशन लिखेंगे व्हेन द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड liabilities are given but the amount of vendor का मतलब seller जो हमको बेच रहा है is not given। तो पहला एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, पहले आप लिखो फिर हम समझा देंगे, टू लाइबिलिटी।
टू विंड। ये अमाउंट गिवन होगा और जो लाइबिलिटी का अमाउंट है वो भी गिवन होगा। बी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पर फिर दूसरा एंट्री करना पड़ता है कि सर सामान तो खरीद लिए हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज खरीद लिए, अब इसका पेमेंट करेंगे। तो एंट्री होगा दूसरा वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर का क्वेश्चन नाम बताएगा, अब उस नाम को लिखेंगे, जितना रुपया से क्रेडिट उतना रुपया से डेबिट। टू अगर कुछ पे किए तो उसके लिए बैंक। टू परसेंटेज डिबेंचर। और जैसा हम लोग जानते हैं कि सर डिबेंचर तो पार या प्रीमियम किसी पे भी हो सकता है, कभी कभी हम लोग बिल भी इश्यू कर देते हैं। बी वेंडर अकाउंट डेट नोट। If debenture is issued at premium or लाइट कट गया है लेकिन कोई नहीं, लिखे हैं if debenture is issued at premium or at discount एंट्री इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग सारा बात करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेज। किस चीज का वर्किंग है ये? कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर। अभी हमको समझाया नहीं है, हम सिर्फ लिख रहे हैं, आप भी लिखते चलो, जब समझाएंगे दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर। स्टेप वन फाइंड इशू प्राइस, फेस वैल्यू प्लस करते हैं प्रीमियम। अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्लस करते हैं, और माइनस करते हैं डिस्काउंट अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ। क्या निकल जाता है? इश्यू। स्टेप टू नंबर ऑफ डिबेंचर। अमाउंट ड्यू टू वेंडर माइनस कैश पेड डिवाइडेड बाई इशू। लिखिए पहले, आप यहां तक लिखो फिर वो डिस्कस करेंगे क्या है। चलिए बात करें, जैसा कि हम लोग टॉपिक क्या है कि सर कंपनी डिबेंचर बेच रही है लेकिन उसके बदले पैसा ना लेकर के एसेट्स ले रही है। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि हम सामान खरीदने गए और हम बोले भाई पैसा ना दे के लो मेरा कंपनी का डिबेंचर ले लो, जो बेचने वाला है वो तैयार है। तो सबसे पहले क्या होगा, सर आप खरीदेंगे, क्या खरीदे? हम बोले एसेट्स खरीदे, लाइबिलिटी खरीदे, और जैसा हम डिस्कस भी कर चुके हैं
कि एसेट्स और लाइबिलिटीज, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइबिलिटीज भी खरीदना पड़ता है क्योंकि बिना उस लाइबिलिटी के वो एसेट्स देगा नहीं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदने गए तो खरीदने का इंटरेस्ट जानते हैं कि सर एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स डेबिट होगा, लाइबिलिटी खरीदेंगे लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होता है, एसेट्स बाय नेचर डेबिट होता है। तो हम लोग का जो पहला सिचुएशन लिखा हुआ है वो क्या सिचुएशन है? एसेट्स का अमाउंट क्वेश्चन बता दिया, लाइबिलिटी का अमाउंट क्वेश्चन बता दिया, लेकिन जिस आदमी से खरीद रहे हैं उसको कितना पैसा देना है ये क्वेश्चन नहीं बताया, जो सेलर है उसका पैसा नहीं बताया। जैसे हम पूछे एसेट्स कितने का, वो बोला 1,00,000, बोला साथ ही साथ आपको ये 20,000 रुपया का लाइबिलिटी भी ले जाना पड़ेगा, तो हम बोले सर एसेट्स खरीदे, एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,00,000, 2 लाइबिलिटी 20,000, तो सर डिफरेंस कितने का आएगा? 80 का, क्योंकि डेबिट में 1,00,000 है, क्रेडिट में 20 है, तो वेंडर को कितना पैसा देना पड़ेगा? हम बोले 80, इसलिए वहां लिख दिए हैं बैलेंसिंग फिगर, एसेट्स लाइबिलिटी खरीद ली। अब जब खरीद लिए हैं तो जो वेंडर का पैसा है उसको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। वेंडर को हम बोल सकते हैं कि वेंडर कुछ पैसा कैश ले लो, कुछ पैसा का बिल ले लो। क्लास 11th में आप पढ़े हैं बिल ऑफ एक्सचेंज कि हाँ सर बिल दे करके भी आप चाहें तो लाइबिलिटी खत्म कर सकते हैं अपना, बाद में उस बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी, बिल्स पेएबल। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है पेमेंट करने का? डिबेंचर इशू करके। तो हम बोले सर वेंडर को जब पेमेंट करने जाएंगे 3 ऑप्शन है, या तो कैश में पैसा दे दीजिए, या फिर बिल दे दीजिए, बिल्स पेएबल, और या फिर डिबेंचर दे दीजिए। तो वही 3 ऑप्शन लिख दिए कि सर वेंडर का जितना पैसा यहां पे है वही पैसा यहां पे आएगा डेबिट में, उसमें 2 बैंक 2 डिबेंचर 2 बिल पेएबल, ये क्या है सर? ये मोड ऑफ पेमेंट है। क्वेश्चन आपको बताया कैसे पेमेंट करना है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ पैसा कैश में, कुछ बिल में और बाकी डिबेंचर में, तो वैसे ही करेंगे। कैश और बिल के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिबेंचर पार पे इशू होता है, प्रीमियम पे इशू होता है, डिस्काउंट पे भी इशू होता है। तो सर डिबेंचर पार पे इशू होता है तो सिर्फ डिबेंचर लिखते हैं, प्रीमियम पे इशू होता तो सर प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिबेंचर डिस्काउंट में इशू होता तो सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर देते, इसलिए ये नोट लिख दिए। इफ डिबेंचर इज इशूड एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, एंट्री इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। अगर डिबेंचर वेंडर को हम प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो फिर वो प्रीमियम और डिस्काउंट हम लोगों को पता है कि प्रीमियम क्रेडिट करना पड़ता है और डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। आई होप इतना तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ही लिए पिछला 2 क्लासेस में और शेयर में कि सर अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कीजिएगा तो बस यहां पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे इशू कीजिएगा तो सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। ये जो एंट्री है ये पार वाला एंट्री आप लिखे, समझ रहे मेरा बात? तो सर ये हुआ एसेट्स खरीदने का और ये हुआ वेंडर को पेमेंट करने का। याद रखिएगा वेंडर जितना रुपया से क्रेडिट है उतना ही रुपया से क्या होगा, वो पेमेंट के समय डेबिट होगा, तभी तो लाइबिलिटी खत्म होगा उसका। और ये क्या है 3? हम बोले 3 तरीके से पेमेंट हो सकता है। हम वेंडर को कैश दे सकते हैं, हम वेंडर को बिल दे सकते हैं, हम वेंडर को डिबेंचर दे सकते हैं, और डिबेंचर पार प्रीमियम डिस्काउंट क्वेश्चन बताएगा कि इसमें इशू हुआ है। सवाल उठता है सर डिबेंचर में कैसे पैसा निकालते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू। जैसा हम पिछले क्लास से बोलते आ रहे हैं डिबेंचर हमेशा अपने आप को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कहां से निकालेंगे? हम बोले उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। स्टेप 1, सबसे पहला काम होगा कि इशू प्राइस निकालिए एक डिबेंचर का। कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू क्वेश्चन बताएगा। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन में एक डिबेंचर का फेस वैल्यू ना बताए तो आप उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज मानिएगा। क्या बोले हम? अमूमन क्वेश्चन में बताता है कि एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि एक डिबेंचर का फेस वैल्यू नहीं बताया है तो क्या मानिएगा? 100 रुपीज का। अगर क्वेश्चन बोला कि प्रीमियम पे इशू किए तो प्लस कर देंगे प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट बोला तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा हम लोग का? इशू प्राइस। सर मान लीजिए ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, पार है, तो फिर ये प्रीमियम डिस्काउंट 0,0, जो फेस वैल्यू है वही उसका इशू प्राइस है। इशू प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा? अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितना बाकी है वेंडर से, ये वाला पैसा बाकी है, उसमें से माइनस करेंगे क्या कुछ कैश में पे हुआ है, क्या कुछ बिल में पे हुआ है,
जो अमाउंट पे कर देंगे वो हटा देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा उसी के लिए तो हम डिबेंचर इशू करेंगे। तो सर अमाउंट जो ड्यू है वेंडर का, उसमें से जो अगर आप कुछ कैश में पे किए हैं, कुछ बिल में पे किए हैं, तो माइनस कर दीजिए। जो बचा हुआ पैसा निकलेगा वो डिवाइड हो जाएगा इशू प्राइस से, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएगा। और जैसे ही नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएगा तो फिर तो सर डिबेंचर का पैसा निकालना बच्चों का खेल हो जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो ये हुआ हम लोग का सिचुएशन नंबर वन या केस वन। केस वन क्या था कि सर एसेट्स का वैल्यू पता है, लाइबिलिटी का वैल्यू पता है, और जो वेंडर जिससे खरीद रहे हैं उसका वैल्यू क्वेश्चन नहीं बताया, तो बैलेंसिंग फिगर से उसका वैल्यू लिख देंगे। केस नंबर दो, एसेट्स का भी वैल्यू पता है, लाइबिलिटी का भी वैल्यू पता है, और जो वेंडर है उसका भी अमाउंट क्वेश्चन खुद ही बता दिया है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हम बोले ऐसा हो सकता है, वही डिस्कस करेंगे केस टू में, पहले आप इस बात को नोट डाउन कर लो। चलिए केस नंबर टू, क्वेश्चन एसेट्स का भी वैल्यू बताएगा, लाइबिलिटी का भी वैल्यू बताएगा, और जो वेंडर जिससे हम खरीद रहे हैं उसका वैल्यू भी बता देगा। सर ऐसा कैसे? हम बोले आप कभी ऑक्शन हाउस में गए हैं? ऑक्शन हाउस मतलब जहां पे चीजों का बोली लगता है, जहां आप देखते हो कि यहां पर बहुत सारा भीड़ बैठा हुआ है, एक सामान डिस्प्ले में आता है और बोला जाता है कि भाई ये सामान हमको यहां से मिला है, बोली लगाइए, जो हाईएस्ट बिड करेगा उसका। तो ऐसे ऑप्शंस में क्या होता है कि एक बॉक्स रखा हुआ है, अब उस बॉक्स के अंदर क्या है वो किसी को पता नहीं है, हो सकता है उसमें लाखों करोड़ों का सामान हो, या हो सकता है उसमें 100-200 का सामान हो, कुछ भी ना हो। तो लोग क्या करते हैं, बोली लगाते हैं। तो मान लीजिए एक बॉक्स है, वेंडर बोला भैया हम इस बॉक्स का लेंगे 1,00,000 रुपया, इस बॉक्स के अंदर क्या हमको नहीं पता, आप अपने रिस्क पे खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए। हम उस बॉक्स को देख के सोच रहे हैं कि इसके अंदर बहुत कुछ निकलने वाला है, इसमें जो निकलेगा बड़ा ही महंगा महंगा चीज निकलेगा, 1,00,000 दे के खरीद ले। तो वेंडर का दाम तय है, वो कितना लेगा, 1,00,000, उसको नहीं मतलब है कि उसमें से क्या निकलेगा। तो हम बोल रहे हैं सर जो एसेट्स निकलेगा उसका वैल्यू डब्बा खोलते मालूम चल जाएगा भाई ये है वैल्यू, लाइबिलिटीज निकला उसका वैल्यू पता है, और सर देना कितना है, हम बोले वो तो शुरू में ही तय हो गया था इतना देना पड़ेगा। सर डब्बा खोलेंगे उसमें लाइबिलिटी कैसे निकलेगा? हम बोले नहीं नहीं एक्चुअली डब्बा खोलने का बात, तो उसमें डब्बा खोलने में कोई लाइबिलिटी निकलता है, कंपनी खरीदने में ऐसा होता, होता क्या बताते हैं आपको। जैसे हमको कोई कंपनी अच्छा लग गया, हमको लगा कि इस कंपनी को अपने साथ जोड़ लेंगे तो हमको फायदा होगा, तो कंपनी जब खरीदने जाएंगे तो कंपनी में तो एसेट्स भी होगा लाइबिलिटी भी होगा। तो एसेट्स मान लो उस कंपनी में है 5,00,000 का, लाइबिलिटी है 1,00,000 का, हम नेट किए तो उसका दाम कितना होना चाहिए, 4,00,000। लेकिन जो सेलर है वो बोलता है ना हम 4,00,000 में देंगे ही नहीं। हम उसको बोल रहे हैं भाई 5,00,000 का एसेट्स है, 1,00,000 का लाइबिलिटी है, तो तुम्हारा कंपनी का वैल्यू तो 4,00,000 रुपया है। वो बोलता है हम 6,00,000 में देंगे, वो 2,00,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? सर इतना समय वो उस कंपनी को चलाया है मार्केट में, उसके कारण भी कुछ नाम बना है, वो गुडविल का पैसा मांग रहा है। तो जब भी ऐसा होगा कि एसेट्स का वैल्यू मालूम, लाइबिलिटी का वैल्यू मालूम, और वेंडर का भी क्वेश्चन वैल्यू बता दे, तो ऑटोमेटिक बात है कि जब हम लोग खरीदने का एंट्री करेंगे वो मैच ही नहीं करेगा, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मैच कर गया तो बहुत अच्छा बात, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि सर जब तीनों चीज का एसेट्स लाइबिलिटीज और वेंडर जिससे हम खरीद रहे हैं इन तीनों का वैल्यू बता दे तो सर मैच नहीं करेगा। और वैसे केस में जो डिफरेंस आता है डेबिट के डिफरेंस को बोलते हैं गुडविल, क्योंकि लॉस नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई महंगा खरीद लिए हमको लॉस हो गया, तो महंगा था तो खरीदा ही क्यों, मत खरीदता। तो खरीदने के समय कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं, सॉरी कभी भी आपको लॉस नहीं होता है, तो सर उसका नाम क्या रख देते हैं, गुडविल। और वही अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ गया तो उसका नाम रखते हैं कैपिटल रिजर्व। तो आइए पहला एंट्री हो कि और बढ़े कि सर एसेट्स खरीदने जाएंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,00,000 छोड़ दी, टू लाइबिलिटी और टू वेंडर, तीनों चीज का क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, सर ये भी दिया है,
लाइबिलिटी का भी वैल्यू दिया है और वेंडर का भी वैल्यू दे दिया। तो अगर ये मैच कर गया तो बहुत अच्छा बात, लेकिन करेगा नहीं। डिफरेंस अगर डेबिट में आया, मतलब क्रेडिट का अमाउंट अधिक है डेबिट का अमाउंट कम है, तो बैलेंस करने के लिए डेबिट में जो लिखेंगे उसका नाम हुआ गुडविल। ये होता तो लॉस ही है क्योंकि आप महंगा खरीदे हैं। 4 लाख का एसेट्स निकला, 1 लाख का लाइबिलिटी और देना पड़ रहा है 5 लाख, तो ऑफकोर्स आपको लॉस है। तो जो लॉस है उसको लॉस के नाम से लिखेंगे, दुनिया वाला बोलेगा भाई तुम कैसा बुड़बक है, जब वो चीज महंगा मिल रहा था मत खरीदता। तो हम बोले भाई महंगा नहीं, उसका गुडविल खरीदे, उसका नाम खरीदे हैं, उसके लिए पेमेंट किए हैं ये बैलेंसिंग फिगर से। और कई बार ऐसा होता है कि सर आपको कंपनियां सस्ता में मिल जाती है, तो अगर डेबिट साइड मतलब एसेट्स अधिक का हो और लाइबिलिटी और वेंडर का अमाउंट टुगेदर कम हो तो क्रेडिट साइड में पैसा बच जा रहा है, उसका नाम क्या लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व। कि बैलेंसिंग फिगर सर क्रेडिट का पैसा कमाया तो नाम हुआ कैपिटल रिजर्व। दोनों में से कोई एक ही बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो मेरा डेबिट अधिक होगा तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर, और अगर क्रेडिट अधिक होगा तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या है, डेबिट का गुडविल और क्रेडिट का कैपिटल रिजर्व। फिर पेमेंट करने का सेम वही एंट्री होता है और नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का सेम वही एंट्री होता है। तो सर हम लोग दो केस सीखे, एक केस पहला केस एसेट्स का अमाउंट क्वेश्चन बताएगा, लाइबिलिटी का अमाउंट क्वेश्चन बताएगा, लेकिन वेंडर का अमाउंट नहीं बताएगा, तो वैसे केस में वेंडर बैलेंसिंग फिगर है। दूसरा केस एसेट्स का वैल्यू बताएगा, लाइबिलिटी का भी वैल्यू बताएगा और वेंडर जिससे खरीद रहे उसका भी वैल्यू बता देगा कितना रुपया वो लेगा तुमसे। तो ऐसे केस में हम लोग सीखे कि सर खरीदने के समय जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किस नाम से होगा, गुडविल अगर डेबिट आया बैलेंस, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो उसका नाम होगा कैपिटल रिजर्व। और फिर पेमेंट करने का बहुत सिंपल है सर, जितना रुपया से वेंडर पहला एंट्री में क्रेडिट हुआ है उतना ही रुपया से वो डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट करने का 3 ऑप्शन हो सकता है, क्वेश्चन आपको बताएगा किस ऑप्शन से पेमेंट करना है। वो 3 ऑप्शन क्या है सर, आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कंपनी चाहे तो कैश में कर दे, चाहे बिल दे दे, या फिर वो डिबेंचर दे दे। डिबेंचर 3 तरह से इशू होता है, पार प्रीमियम डिस्काउंट। अगर पार पे इशू हुआ तो सिर्फ 2 डिबेंचर, प्रीमियम पे हुआ तो सर 2 डिबेंचर 250 प्रीमियम, और डिस्काउंट पे हुआ तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर। बात समझ रहे हैं। फिर सर यहां नंबर कैसे निकाला जाएगा, हम बोले उसका कैलकुलेशन आपको सिखा दिया गया है और लिख भी दिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बुक में जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक हम लोग के इश्यू ऑफ शेयर में भी था, वहां भी बहुत प्रैक्टिस है हम लोग के पास। और बुक कौन सा फॉलो कर रहे हैं, डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो ये चैप्टर और फिर आप साथ में बना सकेंगे। लिख लीजिए इस बात को भी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ें। हेडिंग में लिखा हुआ है कंसिडरेशन अदर देन कैश, लिखा है एक्स कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी। एक्स कंपनी एक एसेट्स खरीद रही है 10,45,000 का वाई कंपनी से। तो सर जो वेंडर है, जो सेलर है, उसका नाम है वाई कंपनी। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 14% डिबेंचर ऑफ ₹100 each। बोल रहा है ये तय किया गया कि जो एसेट्स हम खरीद रहे हैं उसका पेमेंट कैसे करेंगे, 14% डिबेंचर दे करके, और डिबेंचर का फेस वैल्यू है ₹100। अज्यूम डिबेंचर हैज बीन इशूड एट नंबर 1 एट पार। बोल रहा है ये मानिए कि डिबेंचर हम लोग पार पे इशू किए। नंबर 2 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बोल रहा है दूसरा बार ये मानिए कि अगर हम प्रीमियम पे इशू करते तो क्या होता। और तीसरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। और तीसरा क्वेश्चन बन गया कि सर अगर डिस्काउंट में इशू करते तो क्या होता। तो हम बोले सर पार प्रीमियम डिस्काउंट इसमें 3 बार आपको एंट्री करवाएगा। हम बोले बिल्कुल, सबसे पहला एंट्री खरीदने का, खरीदने का एंट्री सर कोई भी कर देगा। क्या खरीदे हैं, एसेट्स, नाम नहीं बताया है एसेट्स का इसीलिए एसेट्स। 2 किससे खरीदे हैं, वेंडर का नाम। देखो एसेट्स का दाम बताया है 10,45,000, वेंडर का नहीं बताया है अमाउंट, सर उसका बैलेंसिंग फिगर बी एसेट्स परचेज।
फ्रॉम वाई कंपनी, दूसरा सिचुएशन वन, अब क्या करना है सर, खरीदे हैं तो पेमेंट कीजिएगा, तो बोल रहा है डिबेंचर को इश्यू करेंगे एट पार, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, पार का मतलब 100 रुपये का चीज 100 रुपया में, तो सर पेमेंट करने का 3 तरीका आप लिखवाए थे, कैश बिल पेबल और डिबेंचर, इसमें कौन सा मेथड बोला है, बोला सिर्फ डिबेंचर से पेमेंट करेंगे, तो एंट्री क्या होगा सर, वेंडर को डेबिट कीजिए, वाई कंपनी डेबिट 10,45,000 टू 14% डिबेंचर, बी डिबेंचर इश्यूड एट पार टू वाई कंपनी, थोड़ा सा और अच्छा लिख लेते हैं, बी कितना सारा डिबेंचर इश्यू किए सर, वो तो निकालना पड़ेगा, फेस वैल्यू 100 रुपया, पार पे इशू किए तो प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा, अमाउंट ड्यू टू वेंडर 10,45,000 माइनस कैश माइनस बिल पेबल, सर कुछ ऐसा नहीं है, तो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 10,450, तो सर यहां लिखिए 10,450 डिबेंचर इशूड एट पार, तो 10,450 इंटू 100, डिबेंचर तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, फेस वैल्यू 10,45,000, देखिए आंसर जी, पहला का तो मैच कर गया, दूसरा सर नंबर टू इसी का सिचुएशन टू, अगर पार पे नहीं प्रीमियम पे करते, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट 10% प्रीमियम, तो क्या होता, हम बोले सर पेमेंट करने के समय कंपनी बोल रही नहीं हम अगर प्रीमियम पे करें तो एंट्री क्या होता, हम बोले वही वाई कंपनी डेबिट 10,45,000 टू 14% डिबेंचर, और क्योंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम तो क्रेडिट होता था टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बी डिबेंचर, नंबर निकालना पड़ेगा फिर से, इश्यू एट 10% प्रीमियम टू वाई कंपनी, तो सर नंबर निकालिए, फिर निकालेंगे ऐसे ही, डिस्काउंट थोड़ी होगा, प्रीमियम कितना 10%, तो 10 रुपया सर, इश्यू प्राइस 110, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे सर, अमाउंट ड्यू 10,45,000 माइनस कैश माइनस बिल पेबल, वो सब नहीं है, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस 110, तो सर 0,0 कैंसिल, आइए देखा जाए कितना आएगा, ये आएगा सर 9,500, तो डिबेंचर में 9,500 इंटू 100 और प्रीमियम में 9,500 इंटू 10 प्रीमियम 10 रुपया का था, तो ये हुआ हम लोग का सेकेंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन यहीं पे कर लेते हैं कि इश्यू करते हैं अगर डिबेंचर को डिस्काउंट में, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट, पहले यहां तक लिखिए क्योंकि फिर इसको मिटा देंगे हम, थर्ड नंबर अगर हम डिबेंचर डिस्काउंट में इश्यू करते तो एंट्री होता वाई कंपनी डेबिट 10,45,000, डिस्काउंट क्योंकि डेबिट होता है तो डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये भी डेबिट, पैसा निकालना पड़ेगा
टू 14% डिबेंचर। सर इसका भी निकालना पड़ेगा, इसके नंबर चाहिए। तो सर फिर डिस्काउंट कितना चल रहा है, 5%, थर्ड नंबर केस चल रहा है। सर 100 रुपया का 5% 5 रुपये, इशू प्राइस 95। तो सर नंबर ऑफ डिबेंचर कितना अमाउंट ड्यू है, 10,45,000, इशू प्राइस 95। कितना सारा डिबेंचर आएगा, 11,000। तो 11,000 × 100, 11 लाख, और डिस्काउंट में 11,000 × 5, 55,000। बी, वो यहां नंबर नहीं लिखे थे ना, 9,500। बी 11,000 डिबेंचर इशू टू वाई कंपनी एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है गोल्डन लिमिटेड बाउट एसेट्स फॉर ₹5,50,00,000 एंड अज्यूम लाइबिलिटी वर्थ ₹1,26,00,000 फ्रॉम सिल्वर लिमिटेड। तो गोल्डन लिमिटेड ने एसेट्स खरीदा है 5,50,00,000 का और लाइबिलिटी खरीदा है 1,26,00,000 का। किससे खरीदा है, सिल्वर लिमिटेड से। क्या एसेट्स का दाम बताया, हाँ, लाइबिलिटी का, हाँ, और जिससे खरीद रहा है वेंडर जो है सिल्वर लिमिटेड, क्या उसका अमाउंट बताया, ना। तो सर केस 1 चल रहा है। एंड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, और बोल रहा है बदले में 8% डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू है ₹500 का 6% प्रीमियम पे इशू करेंगे, बोल रहा है एंट्री कीजिए। तो सर बहुत सिंपल है, पहले एसेट्स खरीदेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू लाइबिलिटीज, और टू किससे खरीदे हैं, सिल्वर लिमिटेड। तो एसेट्स है 5,50,00,000, लाइबिलिटी है 1,26,00,000। तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा कितना, 4,24,00,000। बी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी परचेज। दूसरा एंट्री, सिल्वर लिमिटेड को पेमेंट करने का और प्रीमियम पे देना है डिबेंचर, सिर्फ डिबेंचर देना है, कोई कैश नहीं है, कोई बिल नहीं है। तो सिल्वर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। टू, डिबेंचर का परसेंटेज कितना है, 8%, 8% डिबेंचर। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना पेमेंट करना है, 4,24,00,000। चल निकाला जाए, फेस वैल्यू 500, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है, प्रीमियम कितना बोला है, डिस्काउंट तो है नहीं, प्रीमियम है 6%। तो सर 500 का 6% 30, इशू प्राइस 530 रुपीज। नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितना अमाउंट बाकी है, 4,24,00,000। कोई कैश नहीं है, कोई बिल पेबल नहीं है, वरना वो माइनस होता, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, वो कितने का है, 530। चलिए डिवाइड करें और निकाले, 4,24,00,000 डिवाइडेड बाय 530, 80,000 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, 80,000, बस निकल गया पैसा, 80,000 डिबेंचर तो फेस वैल्यू से और प्रीमियम प्रीमियम वैल्यू से, तो ये आ जाएगा 4,00,000 और ये आएगा 24,00,000। बी,
80,000, 8% डिबेंचर इश्यूड टू सिल्वर लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है सुधीर लिमिटेड टू कोवर एसेट्स ऑफ 8,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1,50,000 ऑफ गोपाल लिमिटेड एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 7,20,000। बोल रहा है सुमित लिमिटेड ने एसेट्स ले लिया है 8,50,000 का और लाइबिलिटीज लिया है 1,50,000 का गोपाल लिमिटेड से। और देखिए क्वेश्चन में गोपाल का भी दाम बता दिया है 7,20,000। एसेट्स का दाम पता, लाइबिलिटी का दाम पता और वेंडर का भी दाम पता, तो सर ये तो केस नंबर 2 है। जो डिफरेंस आएगा एंट्री नंबर 1 में वो या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा। बोले हाँ सही पकड़े। द परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बोल रहा है जो खरीद के सामान लाए हैं और उसके बदले जो गोपाल को पैसा देना है उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, ₹100 वाला डिबेंचर इशू करेंगे 20% के प्रीमियम पे। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री होगा। तो पहला एंट्री एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदने का, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने का एसेट्स है 8,50,000। उसके बाद टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज कितने का है 1,50,000 और वेंडर का नाम गोपाल लिमिटेड और इसका अमाउंट भी दिया हुआ है। तो डिफरेंस तो आ गया सर कितने का, डेबिट साइड में 20,000 का। हम लोग बोले थे सर जो डिफरेंस आएगा अगर डेबिट में आया तो वो कहां जाएगा, गुडविल बी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज। चलिए सेकेंड नंबर, सर कुछ नहीं गोपाल को पेमेंट कीजिए, डिबेंचर से पेमेंट करने बोला है और प्रीमियम से, तो गोपाल लिमिटेड डेबिट 7,20,000, डिबेंचर में परसेंटेज है 12% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2। तो सर फिर से निकालें, फेस वैल्यू ₹100, प्रीमियम कितना चल रहा है 20%, तो ₹20, इशू प्राइस 120, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना पैसा देना है 7,20,000, एक का दाम 120, 00 कैंसिल, 6,000 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, तो 6,000 × 100 और दूसरा 6,000 × 20। नरेशन बी 6,000, 12% डिबेंचर इश्यूड टू गोपाल लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े। लिखा है ए कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 12,00,000 एंड लाइबिलिटी 2,20,000 ऑफ अनदर कंपनी फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9,40,000। एसेट्स का कीमत पता है, लाइबिलिटी का भी कीमत पता है और जिससे खरीद रहे हैं जिस कंपनी से, नाम तो नहीं बताया है, उसका भी दाम बता दिया है, वो कितना पैसा लेगा 9,40,000। सर ये केस नंबर 2 है। The purchase consideration was discharged by issue of debenture of ₹500 each at a discount of 6%. Pass the journal entry in the books of
परचेजिंग कंपनी कंपनीज राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। बोल रहा है कंपनी को जो लॉस होगा, क्या लॉस होगा, डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं, डिस्काउंट का लॉस होगा, बोल रहा है उसको पहले ही साल में राइट ऑफ कर देंगे। सर राइट ऑफ एंट्री सीखे हैं, फिर से डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करें एंट्री, एसेट्स खरीदे। सर पहला एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज भी खरीदे टू लाइबिलिटी, और जिससे खरीदे उसका नाम नहीं बताया तो क्या लिख देंगे, वेंडर कंपनी। तो सर एसेट्स खरीदे हैं 12 लाख, लाइबिलिटी खरीदे हैं 2,20,000, और जिससे खरीदे हैं वो लेगा 9,40,000। तो एक डिफरेंस आ गया है, और इस बार डिफरेंस कहां आया है, क्रेडिट में। तो कैपिटल कितने रुपए का डिफरेंस आया है, 40,000। सर ये बैलेंसिंग फिगर बी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज। सेकेंड एंट्री, वेंडर को 9,40,000 देना है तो सर डिस्काउंट में देना है, एंट्री क्या होगा, वेंडर कंपनी डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, डिबेंचर में परसेंटेज कितना लगा हुआ है, कोई परसेंटेज नहीं लगा हुआ, तो टू डिबेंचर। वेंडर 9,40,000, आइए निकाले, फेस वैल्यू 500, प्रीमियम नहीं है सर, इस बार डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो माइनस होता है, जो कितना है 6%, 30 रुपीज। इशू प्राइस 470। अब निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, 9,40,000 डिवाइडेड बाय 470, 00 कैंसिल, 2,000 डिबेंचर देना पड़ेगा, 2,000 इंटू 500, 10 लाख, और डिस्काउंट में 2,000 इंटू 30 रुपीज, 60,000। बी 2,000 डिबेंचर इशू टू वेंडर एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। तीसरा एंट्री भी होगा इस बार, क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है, वो क्या बोला है, लिखा है कंपनी राइट्स ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। यहां पे कौन सा लॉस दिख रहा है आपको, सर डिस्काउंट कितने रुपए का, 60,000 का। तो सर ये जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ कर दीजिए, जिसको राइट ऑफ करना होता है, हटाना होता है, वो चीज ओरिजिनली जहां रिकॉर्डेड है उसका ठीक वो अपोजिट में रिकॉर्ड करने से खत्म हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है। तो सर ये डेबिट में है, खत्म होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट में तो इसका नाम लिख देंगे, डेबिट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, शॉर्ट में लिखे डिबेंचर, बी डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आए, लिखा है गुंजन लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड। तो सर वेंडर का नाम है वृंदावन लिमिटेड, फॉर ए सम ऑफ ₹25,00,000। बोल रहा है गुंजन लिमिटेड ने वृंदावन लिमिटेड से बिजनेस खरीदा है, और कितने रुपए में खरीदा है, 25 लाख। मतलब बिजनेस में कितना भी एसेट्स निकले, कितना भी लाइबिलिटी निकले, गुंजन लिमिटेड को वृंदा को 25 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो सर जो वेंडर है उसका दाम तो बता दिया है क्वेश्चन,
पेबल 4 लाख बाय चेक, बोल रहा है इस 25 लाख में 4 लाख रुपया चेक से दे देंगे, एंड द बैलेंस इशूड 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम, और बाकी बचा हुआ पैसा डिबेंचर से पेमेंट करेंगे 5% के प्रीमियम पे। बोले ओके। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अब बोल रहा है जिस बिजनेस को आप खरीदे हैं उसमें ये एसेट्स और लाइबिलिटीज निकले हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, पेटेंट, डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुंजल लिमिटेड। चलिए पहले तो खरीदने का एंट्री, क्या खरीदे सर, इतना सारा एसेट्स खरीदे और लाइबिलिटी, तो एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। दूसरा आइटम क्या खरीदे हैं, प्लांट एंड मशीन। डेबिट। तीसरा खरीदे हैं पेटेंट। चौथा है सन्ड्री डेटर। स्टॉक। फिर खरीदे हैं क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, और वेंडर का नाम वृंदावन। सबका दाम पता है 9 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज, पेटेंट 40,000, 7 लाख रुपीज का डेटर और 5 लाख रुपीज का क्रेडिट स्टॉक, क्रेडिटर 1,20,000 और वृंदा को देना है 25,000। बीइंग एसेट्स एंड बीइंग बिजनेस परचेज, नहीं डिफरेंस आ रहा है सर क्रेडिट साइड में, क्या लिखिएगा, कैपिटल रिजर्व। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। देखिए डेबिट साइड में कितना है जोड़ना पड़ेगा, 9 और 8, 17 और 12, 29,40,000, और जबकि यहां पर है 25 और 1, 26,20,000, 29 और 26, 3,20,000 रुपया का कैपिटल रिजर्व। अब लिखेंगे बी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज, या आप लिख सकते हैं बिजनेस परचेज। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री वृंदा को पेमेंट करने का, वृंदावन लिमिटेड डेबिट, कितना पेमेंट करना है 25 लाख। क्या सारा का सारा डिबेंचर देना है, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में पढ़िए लिखा है 4 लाख चेक से पेमेंट करेंगे, टू बैंक 4 लाख, और जो बाकी बचेगा उसके लिए डिबेंचर देंगे, कितना परसेंट है डिबेंचर में 8%, और वो भी प्रीमियम पे, तो 8% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर क्या हम अलग अलग एंट्री कर सकते थे, हम बोले मतलब सर पहले हम 4 लाख का पेमेंट कर देते हैं, फिर बाकी जो बैलेंस 21 लाख बचता उसके लिए डिबेंचर करते हैं। हम बोले आप कर सकते हैं, अगर आपको टाइम बर्बाद करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 एंट्री कर लीजिए तो सर टाइम एक एंट्री का बढ़ जाएगा, लेकिन सही वो भी है और ये भी है। सबसे पहले सर नंबर ऑफ डिबेंचर निकालिए, 100 रुपया है फेस वैल्यू, और प्रीमियम पे इश्यू हुआ है तो प्रीमियम को प्लस करना, प्रीमियम कितना परसेंट है 5, 100 रुपया का 5% 5 रुपया, इशू प्राइस 105, नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट ड्यू कितना, अमाउंट ड्यू है 25, माइनस कैश माइनस बीपी, सर 4 लाख रुपया बैंक से पेमेंट हुआ है, डिवाइडेड बाय 105, तो सर 21 लाख डिवाइडेड बाय 105 कितना आ जाएगा, 20,000। सर 20,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 5, ये आया 20 लाख और ये आया 1 लाख, ये निकला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन बी, 20,000
8% डिबेंचर इशूड टू वृंदावन लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े। लिखा है वाई लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹90,000, हाफ द अमाउंट वाज पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग हाफ बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, पास द जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री होगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या खरीदे हैं, मशीन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। ₹90,000 किससे खरीदे हैं, नहीं बताया है नाम, तो वेंडर ₹90,000। बी मशीनरी परचेज सेकेंड नंबर वेंडर को पेमेंट करेंगे और डिस्काउंट में किए तो सर डिस्काउंट भी डेबिट होगा, नहीं, हाँ डिस्काउंट तो डेबिट होगा ही, सॉरी डिस्काउंट तो डेबिट होना ही, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये भी डेबिट होगा लेकिन पैसा अभी नहीं पता। बोला है आधा हम लोग पेमेंट कर दिए कैश में, तो हम लोग बैंक से करेंगे क्योंकि कंपनी मेनली बैंक में ही डील करती है, तो सर आधा मतलब 45 और जो बच गया उसके लिए क्या दे दिए, डिबेंचर, डिबेंचर का परसेंटेज है 12% डिबेंचर। आइए फेस वैल्यू ₹100 माइनस डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिए हैं 10%, तो इशू प्राइस ₹90। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना अमाउंट बाकी था 90 माइनस कैश और बीपी, तो सर 45 तो पे कर दिए, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना आएगा 500, तो डिबेंचर में आएगा 500 इंटू 100 50,000 और डिस्काउंट में आएगा 500 इंटू 10 5,000। बी 500 12% डिबेंचर इश्यू एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और क्वेश्चन बोला है कि जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ कर देंगे, तो सर अब तो हम लोग सीख गए राइट ऑफ करने का एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, जिसको राइट ऑफ करते हैं उसको बस अपोजिट साइड में लिख देते हैं, डिस्काउंट ऑन 5,000। बी डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16। एक्स लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग फॉर ₹40,00,000, सॉरी जे लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर ₹3,50,000 फ्रॉम के लिमिटेड ऑन 28th of February 2018। तो जे लिमिटेड मशीन खरीदा है 3,50,000 का, किससे खरीद रहा है, के लिमिटेड को, के लिमिटेड से, और कब खरीद रहा है 28th of February 2018 को। 50,000 वाज पेड टू के लिमिटेड इमीडिएटली, 50,000 तुरंत पेमेंट कर दिए, एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ ₹3,10,000 इन जे लिमिटेड, पास द जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, पहला क्या होगा सर, खरीदे कब खरीदे, डेट बोला है 28 फेब 2018,
एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड, कितने में खरीदे हैं 3,50,000। मशीन खरीद बीन मशीनरी परचेज, फिर बोला है 50,000 इमीडिएटली पे कर दी। सर के लिमिटेड अकाउंट डेबिट के को कितना देना था 3,50,000 टू बैंक 50,000 टू बैंक, ध्यान देते चलिएगा 50। अब एक बात सोचना, 3,50,000 किसी आदमी से बाकी है और हम कितना पे कर दिए हैं तुरंत 50, तो अभी भी के को कितना देना है 3,00,000 तो अभी भी देना है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप 3,10,000 का डिबेंचर दिए, देखिए पढ़िए लिखा है एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 3,10,000 इन जे लिमिटेड। तो सर आप 10% डिबेंचर इशू कर दिए हैं, डिबेंचर का वैल्यू बता दिया है कितना, तो बताओ ये जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है डेबिट में वो क्या है। सर गुडविल, गुडविल पहला एंट्री में आता है दोस्त, एक बार जान लीजिए, अगर आप रट रहे हैं तो गड़बड़ है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व खरीदने के एंट्री पे आता है, जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो वहां पे अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो डेबिट का डिफरेंस लॉस है, मतलब डिस्काउंट दिए, क्रेडिट में आता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ रहे आप मेरा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व हमेशा खरीदने वाला एंट्री में आता है। सेकेंड वाला एंट्री में जैसे इस क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है कितने का, क्या नाम दे, हम बोले सर इसका नाम होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि आप जब पेमेंट कर रहे हैं, जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तब यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सर मान लीजिए यही डिफरेंस क्रेडिट में आता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता। चलिए लिख दिया जाए अब डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट बी डिबेंचर इशू टू के लिमिटेड, और तीसरा एंट्री क्या होगा, क्वेश्चन बोला है राइट ऑफ कर देंगे इस डिस्काउंट को, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये बात क्वेश्चन बोला है इसीलिए कर रहे, अपना मन से हम राइट ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि राइट ऑफ का रूल अलग है। बी डिस्काउंट रिटर्न, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग फॉर रूपीज 40,00,000, बोल रहा है एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदा है 40,00,000 रुपया में, पेबल एज 25% इन कैश, बोल रहा है 25% तो कैश में पेमेंट कर देंगे, तो 40,00,000 का 25% 10,00,000 रुपया कैश में पेमेंट, एंड बैलेंस बाय अलॉटमेंट ऑफ 7% डिबेंचर ऑफ रूपीज 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बोल रहा है जो बचा हुआ पैसा रहेगा उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू है 500 रुपया 20% प्रीमियम पे इशू करके, बोल रहा है एंट्री कीजिए, बहुत सिंपल है। पहला एंट्री बिल्डिंग खरीदने का, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, किससे खरीदे हैं सर नाम नहीं बताया, टू वेंडर 40,00,000, बी बिल्डिंग परचेज, दूसरा एंट्री वेंडर को पेमेंट करने का। क्या वेंडर को हम दो तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, जी हां, जो 40,00,000 रुपया वेंडर को देना है उसमें कुछ पैसा तो हम लोग दे रहे हैं कैश के रूप में। तो सर 40,00,000 रुपया का कितना कैश दे रहे हैं,
25% 10 लाख, और बाकी के लिए क्या दे रहे हैं 7% डिबेंचर, वो भी प्रीमियम पे। तो 27% डिबेंचर अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, नंबर हम लोग को तो निकालना पड़ेगा। सर फेस वैल्यू है 500 प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 20%, तो सर 100 रुपया, 500 का 20% 100 रुपया, इश्यू प्राइस 600, नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट कितना ड्यू था 40 लाख, माइनस अमाउंट पेड कितना पे कर दिए 10 लाख, डिवाइडेड बाय 600, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 600, तो सर ये तो हो जाएगा 5000, 5000 डिबेंचर आप दे रहे हैं, तो 5000 डिबेंचर इंटू 600 क्यों लिख रहे हैं, फेस वैल्यू तो 500 है, तो ये आया 25 लाख, और 5000 डिबेंचर प्रीमियम 100 रुपया, 5000, 7% डिबेंचर, इश्यू एट बीइंग 5000 7% डिबेंचर इशूड टू, इशूड एट 20% प्रीमियम। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े, लिखा है 17 की ओर बढ़े, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 8 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑन 1st of April 2018, 2 लाख पेड इमीडिएटली एट द बैलेंस पेड बाय इशू ऑफ 4,75,000 10% डिबेंचर इन एक्स लिमिटेड। बोल रहा है 8 लाख का एसेट्स खरीदे हैं, 1 लाख रुपीज का लाइबिलिटी खरीदे हैं, वेंडर का दाम नहीं बताया है, बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। फिर बोल रहा है 2 लाख रुपया तुरंत पेमेंट कर दिए, और बाकी का जो बैलेंस बचा है उसके लिए 10% डिबेंचर इशू किए हैं 4,75,000 रुपीज का, मतलब इस बार आपको डिबेंचर का वैल्यू पहले ही क्वेश्चन बता दिया। बोल रहा है बोलिए क्या एंट्री होगा, चलिए एंट्री करें। सबसे पहले तो सर एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदने का एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट 8 लाख, 2 लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज कितने खरीदे हैं 1 लाख, 2 वाई लिमिटेड कितना देना पड़ेगा पैसा वाई लिमिटेड को 7 लाख, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पर सेकेंड नंबर पेमेंट का, तो वाई लिमिटेड को डेबिट कर दीजिए, जितना रुपया से क्रेडिट उतना रुपया से डेबिट। बोल रहा है 2 लाख तो पे कर दिए टू बैंक, बचा कितना 5 लाख। बोल रहा है जो बैलेंस है उसके लिए डिबेंचर दिए, कितना परसेंट डिबेंचर 10%, और डिबेंचर का वैल्यू खुद ही बता दिया 4,75,000। लीजिए फिर से डिफरेंस आ गया, लेकिन इस बार डिफरेंस 25,000 रुपया क्रेडिट में है। अभी अभी एक क्वेश्चन बनाए थे जहां पे हम बोले थे सर गुडविल और कैपिटल रिजर्व खरीदने वाले एंट्री में आता है, जब हम लोग पेमेंट करने जाते हैं अगर वहां पे डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो सर डेबिट का डिफरेंस का नाम होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट में डिफरेंस आया तो सर सिक्योरिटीज प्रीमियम, डेबिट का अमाउंट अधिक है क्रेडिट का अमाउंट कम है, तो डिफरेंस क्रेडिट के अंदर है, तो नाम क्या लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या सर इसी का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, हम बोले बिल्कुल, आप चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाई लिमिटेड अकाउंट सेटल्ड, सर वाई लिमिटेड का अकाउंट सेटल हो गया, बस खत्म, लिखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। लिखा है स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड एज अंडर। स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड का एसेट्स को खरीद रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 25 लाख एट 40 लाख। बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग जो कि मॉडर्न लिमिटेड के लिए 25 का था लेकिन हम खरीदे कितने में, 40 लाख में। तो सर मेरे हम खरीदने वाले हैं, हम जितना में खरीदे हैं मेरे लिए वो काम का वैल्यू है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जब हम खरीदेंगे तो किस वैल्यू में लिखेंगे, 40 लाख में, क्योंकि हम तो 40 में खरीदे हैं उसको। प्लांट एंड मशीन 10 लाख का है लेकिन खरीदे हैं 750 में, तो सर 750 में रिकॉर्ड कीजिएगा क्योंकि आप खरीद रहे हैं। फर्नीचर है 3 लाख का, खरीदे हैं 1 लाख में, तो सर फर्नीचर में 1 लाख रुपया लिखिएगा। फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 45 लाख, लेकिन देना कितना पड़ेगा पैसा, 45 लाख। मतलब वेंडर का जो मॉडर्न लिमिटेड है वो फिक्स करके रखा है कि भैया हम 45 लाख रुपया लेंगे। बोले ठीक, आगे बढ़िए। फिर लिखा है स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड पेड 3 लाख इन कैश, 3 लाख रुपया तुरंत कैश में पेमेंट कर देंगे, एंड रिमेनिंग बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, और बाकी बचा हुआ डिबेंचर से देंगे। डिबेंचर जो देंगे वो ₹500 का फेस वैल्यू है लेकिन 5% के प्रीमियम पे। बोल रहा है बताइए क्या क्या एंट्री होगा। सर सबसे पहले खरीदिए, खरीदने का एंट्री क्या खरीद रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40 लाख, गलती से 25 लाख मत लिख दीजिएगा क्योंकि सर हम लोग तो खरीदे हैं 40 लाख में, दाम उसका कुछ भी रहा हो। उसके बाद प्लांट एंड मशीन भी खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं, 750,000 में, 10 लाख मत लिख दीजिएगा, और फर्नीचर खरीदे हैं 1 लाख। टू, किससे खरीदे हैं, मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड, मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड, और मॉडर्न टेक्सटाइल को प्रॉमिस किए हैं कितना पे करेंगे, 45 लाख। जो डिफरेंस आया वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। देख लीजिए पहला एंट्री में खरीदने के समय डिफरेंस आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस आएगा सर, 3,50,000 का, लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। बी, एसेट्स परचेज, दूसरा एंट्री पेमेंट करेंगे तो मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड डेबिट, कितना पेमेंट करना है, 45 लाख। क्वेश्चन में पढ़ो लिखा था 3 लाख तुरंत पेमेंट कर देंगे, टू बैंक 3 लाख, और जो बचेगा उसके लिए क्या देंगे, डिबेंचर, डिबेंचर का परसेंटेज है 9, और प्रीमियम पे देंगे तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, 2, 9% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। आइए फिर से निकालना पड़ेगा सर, फेस वैल्यू 500, प्रीमियम कितना परसेंट है, 5, तो ₹25, इश्यू प्राइस 525, आओ दाम निकाल ले। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होगा सर, 45 लाख जो बाकी था माइनस जो पे कर दिए 3 लाख रुपया कैश, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस 525, तो 42 लाख डिवाइडेड बाय 525, 42 लाख डिवाइडेड बाय 525, 8,000 डिबेंचर इश्यू करना पड़ेगा। तो सर डिबेंचर में जाएगा 8,000 × 500 फेस वैल्यू, और प्रीमियम में जाएगा 8,000 × प्रीमियम, प्रीमियम तो ₹25 का, तो ये आया 40 लाख, और ये आएगा 2 लाख का प्रीमियम। बी, 8,000 9% डिबेंचर, इश्यू 2, मॉडर्न टेक्सटाइल
एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 19। लिखा है दिशा लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलो। दिशा लिमिटेड निशा लिमिटेड से क्या खरीदा है? मशीन। कितने का? नहीं बताया, लेकिन बोल रहा है पेमेंट किए हैं एज फॉलो, मतलब वो पेमेंट बताया है। नंबर एक, क्या क्या पेमेंट किए हैं? बोल रहा है 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं 10 रुपया वाला 10% के प्रीमियम पे। फिर लिखा है 209% डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपया वाला 10% डिस्काउंट पे। शेयर दिए हैं 10% के प्रीमियम पे, डिबेंचर दिए हैं 10% के डिस्काउंट पे। और फिर लिखा है बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। और बिल एक्सेप्ट किए तो सर 3 मेथड से हम पेमेंट किए हैं, इक्विटी शेयर, डिबेंचर और बिल। तो बताइए बोला है क्या एंट्री होगा, ये करिए। और फिर बोला है इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बोल रहा है जो डिस्काउंट है उसको इग्नोर कीजिए, उसको राइट ऑफ नहीं करना है। तो सर सबसे पहला एंट्री क्या होगा? हम बोले मशीन खरीदे, ठीक है, पैसा हमको नहीं पता, नहीं लिखेंगे पैसा, लेकिन एंट्री तो लिख ही सकते हैं ना जी कि मशीन अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदे, निशा लिमिटेड। पैसा जब आएगा लिख लेंगे, उसमें क्या लगा? बी मशीनरी परचेज। दूसरा एंट्री क्या होता कि सर निशा जितना रुपया से क्रेडिट है उतना ही रुपया से डेबिट होता। बोले हां, तो निशा लिमिटेड डेबिट टू पेमेंट के तरीके क्वेश्चन ने बताए हैं। बोला है इक्विटी शेयर दिए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है डिबेंचर दिया है डिस्काउंट पे 9% डिबेंचर। और सर ये डिस्काउंट पे दिया है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो, ये तो जानते ही हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ। और फिर हम लोग बोले थे कि सर शेयर पे प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद फिर क्या है? बिल 2 BP। सबका पैसा वो बता दिया है। बिल्स पेबल कितने का है? 50,000। शेयर सर 10,000 नंबर्स में है, वो खुद ही नंबर्स बताया है। और फेस वैल्यू 10 रुपया, जैसा हम लोग सीखे हुए हैं शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, 10 रुपया फेस वैल्यू है 1,00,000। डिबेंचर कितना पीस है? 200 पीस। फेस वैल्यू कितना? 100 रुपया। 20,000। प्रीमियम कितना? 10,000 शेयर था 10%, मतलब 1 रुपया का प्रीमियम, 10 रुपया का फेस वैल्यू, उसका 1 रुपया का प्रीमियम। तो सर ये 10,000। डिस्काउंट कितना है? 10%। तो सर 200 पीस डिबेंचर इश्यू किए हैं, हर पीस के ऊपर 10 रुपया का डिस्काउंट, 2,000। तो सर ये तो बैलेंसिंग फिगर से निकल सकता है। बोले हाँ निकल सकता है। 1,80,000 माइनस 2,000 कितना आया? 1,78,000। और जैसा हम लोग सीखे थे जितना से निशा क्रेडिट होती है उतना से डेबिट, तो सर जितना से डेबिट है उतना ही से क्रेडिट हुआ होगा। अच्छा ये सर कैलकुलेशन उल्टा से निकाल लिए आप। हम बोले हाँ बहुत सिंपल, इसमें ऐसा कोई हार्ड बात है ही नहीं। हम बोले सर जो डेबिट और क्रेडिट का पैसा बराबर होता है, क्रेडिट का जितना पेमेंट का मेथड था उन सबका पैसा वो बताया है। बोला है 10,000 डिबेंचर 10 रुपया वाला इशू किए 10% के प्रीमियम पे। तो बोले सर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 × 10 1,00,000। और इसका प्रीमियम 10,000 × 1 रुपया, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रीमियम किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। और शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, उसका 10% 1 रुपया, तो प्रीमियम भी निकल गया। डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किए तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिए।
तो 200 डिबेंचर इंटू 100 20,000 और डिस्काउंट कितना है 10%। तो सर फेस वैल्यू है डिबेंचर का 100 रुपया, उसका 10% 10 रुपया, तो डिस्काउंट कितना आएगा, एक शेयर डिबेंचर पे 10 रुपए डिस्काउंट, 200 पे कितना 2,000 रुपया, और बिल पेएबल कितने का क्वेश्चन बोला है 50,000। तो हम बोले सर डेबिट क्रेडिट बराबर करना है, तो क्रेडिट का अमाउंट माइनस कर दिए डेबिट का अमाउंट, तो वेंडर का जो निशा है उसका पैसा निकल गया, और निशा को देना है 1,78,000, तो मतलब मशीन कितने में खरीदे होंगे 1,78,000, तभी तो दिए होंगे 1,78,000। तो सर जैसा कि नियम सीखे है कि जितना से वेंडर क्रेडिट होगा उतना से डेबिट होगा, तो उसका मतलब यही ना होगा कि जितना से डेबिट होगा उतना से क्रेडिट भी होगा, फिर इसी पैसे को लिख लिया हम लोग का, निकल गया बात बी निशा अकाउंट सेटल। ये हुआ हम लोग का टॉपिक नंबर 4 भी खत्म। यहां तक जो पढ़े हैं वो शेयर से कॉमन था कि सर शेयर में भी सेम यही सब बात हम लोग पढ़े थे। अब जब नया टॉपिक अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसका शेयर से कोई मतलब नहीं है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके इसका। बाय बाय।